हमारे साथ सिरमौर से अभी अभी पर्चा दाखिल करके सिरमौर क्षेत्र के विधायक दिवराज सिंह कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकले हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं, इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी। सिरमौर विधानसभा से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मौका दिया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पिछले 5 साल के कार्यों को हम इस बार चुनाव में लेकर के चलेंगे और साथ साथ में एक अपना विजन डॉक्यूमेंट मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसमें हमारे विधानसभा में युवाओं के लिए हमने जैसे पिछली बार कॉलेज तराईयांचल में खोला, उस प्रकार से डभौरा बैकुंठपुर में भी हमको अभी कॉलेज अतराइला में ITI की आवश्यकता है। साथ साथ में मेडिकल के लिए हमारे जवा में हमको एक सिविल अस्पताल बनाना है और किसानों के लिए अभी क्योंकि हमारी त्योथर फ्लो की योजना जो हमारी सरकार ने शुरू करी थी उसको हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर हमारे तराई अंचल में वो शुरू हो जाए, जो हिस्से छूट रहे हैं उनको भी हम बढ़वाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट जो आती है एरा प्रथा की, उसको भी हम हमारी सरकार के प्रति रख करके उसको कहीं ना कहीं से सुलझाने का प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में नील गाय एक बड़ी समस्या है, उसके लिए किस तरीके की कोई योजनाएं? जैसा मैंने कहा कि एक एरा प्रथा पहले से आ गई है, मेरे ख्याल से आज किसान एरा प्रथा से ज़्यादा प्रताड़ित है नील गाय के बनस्पत, तो हम दोनों को हैंडल करने का प्रयास करेंगे। मैंने नील गाय वाली भी बात विधानसभा में काफ़ी बल के साथ रखी थी और अशासकीय संकल्प भी हम लोगों ने लगाया था, साथ साथ में एरा प्रथा के लिए भी हमने लगाया था। तो सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर हमारा भरोसा है कि वो किसानों के लिए जिस प्रकार से हमेशा कोई ना कोई आपदा अगर हमारे किसानों के ऊपर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे किसानों के साथ हमेशा न्याय करने की कोशिश करती है और उनको उनकी जो नुकसानी होगी उसको भरपाई करने का पूरी कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र में उद्योग धंधों का बिल्कुल अभाव है, उसके बारे में भी क्या आपकी कोई प्राथमिकताएं हैं, कुछ योजनाएं हैं? देखिए, उद्योग जो अपने विंध में खासकर जितने भी उद्योग हैं वो केवल माइनिंग बेस्ड उद्योग हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा में चाहे हम कहें, हमारा सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी माइंस की उपलब्धता नहीं है तो इसलिए माइनिंग नहीं आ पाई है, लेकिन हमारे यहाँ और भी हम लोग कोशिश करेंगे। पहले तो हमने प्रयास किया है कि हमारे जो युवा हैं उनकी अच्छी शिक्षा हो जाए, जिससे कम से कम अशिक्षित या अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तो युवाओं आप चाहे जो भी कर ले, कोई भी इंडस्ट्री खोल ले, लेकिन अगर हमारा युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। हमको पहले युवा को अपने शिक्षित करना है और सक्षम बनाना है कि वो रीवा में नहीं, दिल्ली बम्बई या विदेश तक में भी अगर उसकी पूछ होनी चाहिए उस प्रकार का हमको युवा तैयार करना है और इस क्षेत्र में भी हमको छोटे छोटे कुटीर उद्योग ला करके अपने युवाओं को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो खुद भी अपने आप में सक्षम हो और साथ साथ में बाकी लोगों को भी रोज़गार दें। ये थे हमारे साथ सिरमौर क्षेत्र के विधायक दिवराज सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षित नौजवान रीवा नहीं, देश नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।